से आई हैं, बाकी भी जो वज़रा हैं उनके महकमों में कुछ चेंजेस की हैं, और जैसे मैंने कहा था अपनी तकरीर में कि जी राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कोशिश यही है कि ऐसा हो। मतलब अब हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, अब हर चीज़ तो चेंज नहीं होगी ना, जरूर कुछ वही होगी। और इंशाल्लाह ताला बल्दियात के वज़ीर भी अभी कुछ महीने पहले हुए थे, तो कुछ महीने पहले बल्दियात के वज़ीर को ये महकमा दिया गया था, और अभी इंशाल्लाह ताला वो बड़े मेहनती और जो है हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कामयाबी से, जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं, उन चैलेंजेस को वो फेस कर सकेंगे और उनको कामयाबी हासिल करेंगे। ये बताइएगा कि डीजी रेंजर साहब ने ये कहा है कि उनको वफाद और सूबे दोनों की हिमायत हासिल है, और आपने ये कहा है कि उस आप समरी एक से दो दिन में देखेंगे। सुनने में यह है कि साबिक वज़ीर आला साइन करके जा चुके हैं, दस्तखत करके जा चुके हैं, तो इतनी ताखिर क्यों की जा रही है, और क्या इन इख्तियारात को सिंध तक भी फैलाया जाएगा? लड़काना में इतना बड़ा वाकया हो गया। देखिए मेरी बात सुने, ज़्यादा मैं बहस में नहीं जाऊँगा, ये बहस बहुत हो चुकी है कि कहाँ तक है। जो भी मैंडेट है रेंजर्स का, और सिंध का रेंजर्स जो है पूरे सिंध में 1989 से काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला हमने उसमें कुछ, इसलिए कि उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस कुछ होते हैं और वो उसकी अब ज़रूरत भी नहीं। हमारी अल्लाह का शुक्र है कि एक बेहतर किस्म की जो है रही है रेंजर्स के साथ और बाकी मिलिट्री के साथ वर्किंग रिलेशनशिप, और हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हर जगह पे दो भाई भी साथ होते हैं तो उनमें आपस में चीज़ों पे इख्तलाफ हो जाते हैं, कुछ चीज़ों पे कभी कभी इख्तलाफ हो जाते हैं, लेकिन वो इतने सीरियस नहीं है कि पूरा ऑपरेशन कोई जो है मुश्किल में पड़ गया हो या क्या। मेरा ख्याल है कि आसानी से ये चीज़ें, और ये हर चीज़ अगर बिल्कुल स्मूथ हो तो हम शायद आज खड़े भी ना हो, सबको अपने घर पर हो, लेकिन